हेलो दोस्तों, जॉम हंड्रेड की बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉम हंड्रेड एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हम लोग को देखने को मिला था आकिरा के पुराने काम से जो चीफ है वो आकिरा को मिल जाता है और आकिरा का चीफ आकिरा को एक्यूज करके जबरदस्ती उनके लिए काम करने को बोलता है। और आकिरा के पास भी कोई भी चारा नहीं था क्योंकि केंचो बहुत ही बुरी तरीके से चोटिल था। तो आकिरा को ना चाहते हुए भी उसके पुराने काम के चीफ के साथ काम करना पड़ा, लेकिन आकिरा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को शिजुका के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को देखने को मिला था शिजुका जब छोटी बच्ची थी तभी उसको एक दिन रास्ते पे एक छोटा सा कुत्ता मिला था जिसको शिजुका घर पे लेकर आई थी। लेकिन उसके डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे और उस डॉग को वहाँ पर ही छोड़कर आने के लिए बोलते हैं। उसके डैड बहुत ही गुस्सा होकर बोलते हैं, शिजुका ये सब कुछ क्या है, इतना वीक डॉग को पालकर तुम क्या करोगी, इसी वही पर ही छोड़कर आ जाओ। अगर तुम्हें कोई पेट पालना ही है तो किसी अच्छे ब्रीड का पालो, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और तुम्हें दूसरे लोगों से ऊपर खड़ा रहना होगा और इसको अचीव करने के लिए तुमको कमजोर लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ऐसे पॉइंटलेस चीजें करना बंद करो और तुम्हें जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए उसके ऊपर फोकस करो। इसके बाद हम लोग को एक बार फिर से प्रेजेंट पे ले जाया जाता है, जहाँ पर आकिरा के दोस्त के आने की खुशी में आकिरा का चीफ पार्टी कर रहे थे, लेकिन आकिरा सबको बियर लाकर दे रहा था। सभी लोग आकिरा को ये चीज वो चीज लाने के लिए ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन आकिरा बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। वहाँ पर शिजुका भी मौजूद थी। यहाँ पर आकिरा का चीफ शिजुका के लिए एक कप बियर भी लेकर आते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन कुछ अलग ही था। आकिरा के चीफ की नजर जाती है शिजुका के चेस्ट के ऊपर। इसके बाद आकिरा के चीफ बोलता है, अरे अरे ऐसे अच्छी लड़की की तरह सिर्फ पानी क्यों पी रही हो, थोड़ा हमारे साथ बियर भी पी लो। उस बियर को बहुत ही जल्दी जल्दी पी लेती है, जिसको देखकर आकिरा का चीफ बोलता है, अरे वाह तुम तो बहुत ही अच्छी तरीके से बियर को पीती हो, इसके अलावा तुम और क्या पी सकती हो। वैसे लड़कियां सिर्फ दो ही चीजों में अच्छी है, पहले तो तुम लोगों के बूब से हमें सहलाना और दूसरा हमारे साथ फ्रेंडली हो जाना। इसके बाद एक बार फिर से आकिरा का चीफ आकिरा को बियर की बॉटल्स लाने के लिए बोलता है और उसके ऊपर बेवजह चिल्लाने भी लगता है। ये सब कुछ देखकर शिजुका को एक बार फिर से अपने पास्ट के बारे में याद आता है। शिजुका बोलती है, जीतने की जरूरत, सक्सेसफुल होने की जरूरत, ऐसे लाइंस मैंने अपने जन्म के बाद बहुत बार सुनी है। शिजुका के फादर के बारे में हम लोग को जानने को मिलता है, वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने यूएस पे अकेले के दम पे एक बहुत ही बड़ा एंटरप्राइज खड़ा किया था, यहाँ तक कि उन्होंने लेमन ब्रोस का भी सामना किया था। वो बहुत ही पावरफुल निर्दयी फाइनेंसर थे जिससे अमेरिकन्स भी डरते थे। इसके बाद हम लोग को वही डॉग देखने को मिलता है जिसको शिजुका ने बचाया था। शिजुका ने अपने डैडी के डर से उस डॉगी को अपने घर पे किसी जगह छुपा के रखा था। शिजुका इस डॉग को नाम देती है रो। वो उस डॉग के लिए खाना भी लेकर आती है लेकिन वो डॉग नहीं खाती। इसके बाद वो साइंस का किताब पढ़ती है और उस डॉग का केयर करने लगती है। इसके बाद एक दिन हम लोगों को देखने को मिलता है उसका डॉग बिल्कुल एकदम पहले की तरह ठीक हो जाता है, जिससे शिजुका बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद एक दिन शिजुका अपने फादर को बोलती है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। शिजुका के डैड बोलते हैं, तो तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, डॉक्टर और लॉयर जैसी चीजें बहुत ही मामूली चीज है, तुमको उनसे भी और भी ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, डॉक्टर और लॉयर जैसे लोग हमारे यूज के लिए है, क्या तुम उनमें से एक बनना चाहती हो। शिजुका उसके डैड के खिलाफ प्रोटेस्ट तो करना चाहती थी लेकिन उसके डैड नहीं मानते। इसके बाद उसके डैड बोलते हैं, और हाँ वो जो डॉग था जिसको तुमने छुपा के रखा था, मैंने हेल्थ केयर सेंटर पे कॉन्टेक्ट करके उससे छुटकारा पा लिया। इसको सुनकर शिजुका बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद शिजुका के डैड बोलते हैं, देखो तुम चुपचाप रहो और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते रहो। शिजुका इसके बाद वहाँ पर जाती है जहाँ पर उसने उस डॉग को छिपा के रखा था, लेकिन वहाँ पर जाकर वो देखती है वो डॉग वहाँ पर नहीं है। शिजुका के डैड यहाँ पर शिजुका को वायलिन प्रैक्टिस के लिए भी भेजते थे, लेकिन शिजुका अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती थी। शिजुका के डैड ये भी बोलते हैं, तुम्हें ऐसे लो क्लास फ्रेंड्स रखने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ किसी लड़के के साथ मत घूमो, शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है और वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। शिजुका अपने डैड के इन सब बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। शिजुका यहाँ पर प्रोटेस्ट तो करना चाहती थी लेकिन वो सोचती है अगर उसने कुछ बोला तो उसके डैड उसको घर से निकाल देंगे, तो इसलिए शिजुका को ना चाहते हुए भी उसके डैड की हर एक बात सुनना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से प्रेजेंट पे ले जाया जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से आकिरा के चीफ आकिरा को डांटने लगते हैं। आकिरा पर बहुत ही ज्यादा थका हुआ था जिसकी वजह से आकिरा के काम पे बहुत सारे गड़बड़ हो रहे थे और इससे आकिरा का चीफ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद आकिरा के चीफ आकिरा को सजा के तौर पर ओवर टाइम करने को बोलते हैं, जिससे आकिरा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। आकिरा बोलता है, क्या क्या, लेकिन
हमारा डील तो आज तक ही था। आकिरा का चीफ बोलता है, तुमने खाने को बर्बाद किया है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे वजह से कितनी चीजें बर्बाद हुए हैं। तुम्हारे जैसे लड़के बिल्कुल वेस्ट होते हैं, यूजलेस होते हैं। तुम अपने जिंदगी भर काम करके भी उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। लेकिन आकिरा, तुम तो जानते ही हो मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं जितनी भी बुरी बात बोलूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तो क्या कहते हो, क्या तुम यहाँ पर रह के मुझे मदद करोगी? आकिरा पर कुछ बोलने की तो कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बोल पाता। इसके बाद आकिरा का चीफ एक बार फिर से बोलता है, और वैसे भी तुम उस खतरनाक दुनिया पे वापस तो नहीं जाना चाहते। फ्रीडम बहुत ही मुश्किल है आकिरा, अपने आप से सब कुछ चूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या खाना है, कहाँ पर सोना है, तुम्हें इन सब बातों के बारे में सोचना पड़ेगा और ये सब तुम्हें बहुत ही थका देगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम इससे गुजरो। इसी की वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, और अगर तुम मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करोगे तो तुमको इन सब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन मैं भी तुम्हारे इस पोजीशन को लेकर बहुत ही ज्यादा जेलस हूँ, तो इसके बारे में और सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमेशा के लिए रुक जाओ और मैं जो बोलूँ वो करते रहो। इसके बाद हम लोग को एक बार फिर से शिजुका का पास देखने को मिलता है, जहाँ पर शिजुका गाड़ी में अपने डैड के साथ कहीं पर जा रही थी, जहाँ पर उसके डैड रास्ते में कुछ होमलेस लोगों को शिजुका को दिखाते हैं। शिजुका के डैड बोलते हैं, वहाँ पर देख रही हो शिजुका, वो सारे लोग जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन तुम उन लोगों की तरह नहीं हो। सक्सेस होने के लिए तुम सिर्फ मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करोगी। मेरी बेटी होने के नाते मैं तुम्हें ऐसे एम्बैरेस होने नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। इसके बाद हम लोग को प्रेजेंट ले जाया जाता है, जहाँ पर शिजुका एक कमरे पे बैठकर आकिरा के बकेट लिस्ट पढ़ रही थी और आकिरा के बारे में सोच रही थी। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से आकिरा के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर आकिरा थक हार के काम कर रहा था और ट्रक में सारे के सारे माल को लोड कर रहा था। तो फाइनली जगह अभी 2 दिन कम्प्लीट हो चुका था, जैसे कि उन लोगों ने प्रॉमिस किया था। शिजुका इसके बाद बोलती है, तो जैसे कि हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 दिन हो चुके हैं और क्योंकि हमारी गाड़ी का टायर फिक्स हो चुका है तो हम लोग इस जगह को छोड़कर जाना चाहते हैं। केंचू यहाँ पर इन सब के लिए आकिरा से माफी भी मांगता है। इसके बाद शिजुका और केंचू जब वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी आकिरा बोलता है, दोस्तों मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर ही रुककर काम करूंगा। इसको सुनकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। केंचू बोलता है, आकिरा तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो, बाहर बहुत ही खतरा है। अगर मैं बाहर गया तो शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रहा तो लीडर मेरे ख्याल रखेंगे। केंचू इसके बाद बोलता है, आकिरा तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन आकिरा केंचू के एक भी बात नहीं सुनता। इसके बाद उसके चीफ बोलते हैं, लगता है तेंदो हमारे साथ ही रुकना चाहता है। इसके बाद शिजुका चारा ना देखते हुए बोलती है, ठीक है फिर केंचू, चलो हम लोग चलते हैं। और आकिरा तुमने अभी तक जो जो हमारे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। केंचू बोलता है, अरे तुम ये सब क्या बोल रही हो, हम लोग उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। शिजुका बोलती है, उसने बोला कि वो यहाँ पर ही रुकना चाहता है। इसके बाद आकिरा बोलता है, मुझे लीडर की काइंडनेस को रीपे करना होगा और इसके लिए मुझे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। शिजुका बोलती है, चुप करो तुम आकिरा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लास्ट बार मिलने वाले हैं, तो मैं तुम्हें लास्ट एक चीज बोलना चाहती हूँ। क्या तुम जानते हो जो लोग तुमसे ये करवा रहे हैं वो लोग क्या चाहते हैं? सच तो ये है कि उन लोगों को अपने आप के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है और वो लोग अपनी ख्वाहिश को सिर्फ पूरा करना चाहते हैं। वो लोग सिर्फ ये जानते हैं कि खुद को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए दूसरों को कैसे नीचा दिखाया जाता है, और ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में थोड़ा अच्छा फील करना चाहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे ऊपर सिर्फ कंट्रोल चलाएंगे, तुम्हारे विल को चुरा लेंगे, तुम्हारे फ्रीडम को चुरा लेंगे, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट जो तुम्हें जीने के लिए चाहिए होता है, तुम्हारा सोल, तुम्हारा प्राइड, सब कुछ वो लोग छीन लेंगे। आज से पहले मैं बिल्कुल गलत था, लेकिन तुमने मेरे आंखों को खोल दिया। मैं किसी को भी कुछ भी नहीं सौंपूंगा। अभी दुनिया जिस हालत में है, किसी को भी कुछ नहीं पता है कि उनको क्या करना है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, मैं इस बकवास जगह से जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। इसके बाद आकिरा का बॉस बोलता है, वेमेन सही बोला ना मैंने, तुम हर एक चीज के बारे में कंप्लेन कर रही हो। सभी लोग सुनो, इस लड़की के बारे में ध्यान मत देना। इसके बाद शिजुका बोलती है, तो आकिरा तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे पास एक बकेट लिस्ट है ना, और तुम इसको कंप्लीट करना चाहते हो एक ज़ॉम्बी बनने से पहले। तुम एक ज़ॉम्बी भी नहीं हो और एक मशीन भी नहीं, तुम एक ह्यूमन हो। सही कहा ना मैंने, तो तुम क्या चाहते हो? इसके बाद शिजुका आकिरा के बकेट लिस्ट को आकिरा के सामने दिखाती है, जहाँ पर आकिरा का एक विश ये भी था कि वो अपने बॉस को एक जर्क बोल सके। इसको देखकर आकिरा का बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शिजुका से आकिरा का बकेट लिस्ट छीन लेता है और उसको फाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे आकिरा अपने बकेट लिस्ट को देखता है, उसको अपनी जर्नी की याद आता है। इसके बाद जैसे उसका बॉस उस बकेट लिस्ट को फाड़ने वाला था, तभी आकिरा उसके बॉस को जाकर रोक लेता है।
इसके बाद आकिरा का बॉस बोलता है, ओए आकिरा तुमको किसने परमिशन दिया? इसके बाद आकिरा बोलता है, चीफ मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, और गाड़ी और मेरे दोस्त को ठीक करने के लिए भी, लेकिन अभी गुड बाय बोलने का वक्त आ चुका है, मैं आपको आज के बाद कभी भी नहीं देखना चाहता। इस बात को सुनकर आकिरा का बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आकिरा का बॉस बोलता है, लेकिन तुम अभी भी मेरे ऊपर इंसान मत हो। आकिरा इसके बाद चिल वाले मूड लेकर बोलता है, उसके बारे में प्लीज उसके लिए मेरे सॉरी को आप रख लीजिए, ठीक है। इसको सुनकर यहाँ पर बाकी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इसके बाद आकिरा का बॉस एक बार फिर से बोलता है, तुम इसको पछताओगे आकिरा, तुम्हारे जैसे लड़के बाहर जाएंगे और जोम्बी के खाना बन जाएंगे। आकिरा बोलता है, हाँ जो भी हो, एक जोम्बी की तरह काम करने से ये तो बहुत गुना अच्छा है, अभी मैं अपनी ड्रीम्स को पूरा करना चाहता हूँ। तो फाइनली जाकर आकिरा का ये ड्रीम भी पूरा हो जाता है, जहाँ पर आकिरा अपने बॉस को एक जर्क बोलना चाहता था। इसके बाद आकिरा किंचो और शिज़ुका वापस से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम लोग को देखने को मिलता है एक बंदा एक ट्रक को लेकर वहाँ पर आता है, और जैसे ही वो बंदा उस ट्रक को खोलता है हम लोग को देखने को मिलता है उस ट्रक से बहुत सारे जोम्बिस आते हैं, और उस बंदे को एक जोम्बी काट लेता है, और बाकी के जोम्बी उन लोगों के ऊपर हमला बोल देते हैं। जोम्बिस को देखकर यहाँ पर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। केंचो और शिज़ुका एक गाड़ी के ऊपर उठ जाते हैं, और उसी के साथ साथ आकिरा एक अलग गाड़ी के ऊपर उठता है। शिज़ुका और केंचो दूसरे लोगों को भी अपने गाड़ी के ऊपर उठाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी पता था कि वो लोग सभी को नहीं बचा सकते। इसके बाद आकिरा का नजर उसके चीफ के ऊपर पड़ता है, जो यहाँ पर जोम्बी से भाग रहे थे। इसके बाद आकिरा सोचने लगता है कि वो अपने बॉस को कैसे बचाए। इसके बाद आकिरा को एक फूड ट्रक देखता है। इसके बाद आकिरा बाकी के लोगों को चिल्लाकर बोलता है, सभी लोग सुनो, क्या तुम लोग बड़े ट्रक्स को चला सकते हो? मेरे पास एक आइडिया है, प्लीज मुझे हेल्प करो। आकिरा का बॉस मोटा होने की वजह से ज्यादा तेज नहीं भाग पा रहा था, लेकिन तभी आकिरा एक ट्रक लेकर जोम्बिस के सामने आ जाता है अपने बॉस को बचाने के लिए। आकिरा अपने ट्रक से जोम्बिस को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद आकिरा अपने ट्रक से निकालकर अपने बॉस की तरफ हाथ बढ़ा देता है, जिसको देखकर आकिरा का दोस्त केंचो बोलता है, आकिरा ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो बोला था कि तुम उससे अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। आकिरा बोलता है, हाँ मैंने बोला था, लेकिन मेरे बकेट लिस्ट पर ये नहीं है, चाहे उसने मेरे साथ जितना भी बुरा बर्ताव किया है, लेकिन मेरे सुपीरियर्स को मैं अपनी आंखों के सामने नहीं मरते हुए देख सकता, ये मेरे बकेट लिस्ट में नहीं है। इसके बाद आकिरा अपने बॉस को ट्रक के ऊपर उठा लेता है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है बाकी के लोग अपने अपने ट्रक लेकर आकिरा की तरफ आ रहे थे। तभी हम लोग को देखने को मिलता है वो चारों ट्रक आकिरा के ट्रक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद वो लोग सभी वहां से नीचे कूद जाते हैं। इसके बाद आकिरा उन सारे ट्रक्स में आग लगा देता है, जिससे ट्रक के साथ साथ जोम्बीज भी मर जाते हैं। आकिरा का बॉस यहाँ पर बोलता है, मैंने अपने सबोर्डिनेट से यही एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पर दूसरे लोग बोलते हैं, आकिरा तुम एक रोल मॉडल हो, सभी लोग सुन रहे हो, हमें आकिरा को ही अभी से फॉलो करना चाहिए, हमें माफ कर दीजिएगा कोसुकी, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो तुम्हारे साथ काम करके मैं बिल्कुल पक चुका हूँ, तुम सिर्फ हमें यूज करते हो लेकिन तुम खुद कुछ नहीं करते, और आकिरा ने एक लीडर का काम तुमसे अच्छा निभाया है। इसके बाद बाकी लोग भी यहाँ पर एग्री करते हैं, और वो सभी कोसुगी को छोड़कर जाने लगते हैं, और मीनहोइल यहाँ पर कोसुगी ये सब कुछ देखकर रोते रहता है। इसके बाद जाते जाते यहाँ पर शिज़ुका आकिरा ने अभी तक जो जो किया उसके बारे में बताती है, लेकिन आकिरा को इन सब के बारे में कुछ भी याद नहीं था। आकिरा इसके बाद बोलता है, काम करना मेरे लिए बहुत ही टफ है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी सूटेड नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे कोई ऐसा काम मिलेगा जो मेरे लिए अच्छा हो। इसके बाद शिज़ुका बोलती है, तुम्हें जॉब ढूंढने के लिए जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है, टेलीमार्केटर्स, ड्रोन पायलट्स, क्रिप्टोकरेंसी स्पेशलिस्ट, ऐसे जॉब्स हम लोगों ने 100 साल पहले इमेजिन भी नहीं किया था, लेकिन एक के बाद एक ये सारे जॉब्स आते रहे, हमें कुछ भी नहीं पता इस दुनिया का फ्यूचर क्या है और कैसे जॉब्स फ्यूचर में होने वाले हैं, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जानता, तो तुम्हें जो पसंद है और तुम्हें जो करने में मजा आता है तुम्हें वही करना चाहिए, और इनमें से हो सकता है कोई ऐसा हो जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। आकिरा बोलता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। इसके बाद वो सभी जाने लगते हैं गुनवा विलेज की तरफ, और दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड नंबर 7 तुम लोगों को कैसा लगा जरूर से ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कैसे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।